नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुराइश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि फेस्टिवल सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो क्यों ना आज हम कैनेडियन स्मोकिंग स्टिच को थोड़ा सा ब्रेक दे के फेस्टिवल रिलेटेड कुछ करें। आज मैं आप लोगों के लिए दुर्गा जी की मूर्ति को कैसे डेकोरेट करें वो लेके आई हूँ, क्योंकि नवरात्रा भी आने ही वाली है। इसके अलावा मैं पहले आपको पूजा का थाल डेकोरेट करना सिखा चुकी हूँ, कई तरह के बंधनवार दिए वगैरह डेकोरेट करना सिखा चुकी हूँ, जिनका लिंक ऊपर आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम दुर्गा जी की मूर्ति डेकोरेट करते हैं। दोस्तों, दुर्गा जी का हम सबसे पहले जो डेकोरेशन तैयार कर रहे हैं उसके लिए बहुत कम और बहुत सिंपल मटेरियल चाहिए। ये क्राफ्ट पेपर है, ये आप अपनी पसंद के कलर्स के ले सकते हैं, और एक ये बीड है, इसकी जगह आप दूसरे बीड्स ले सकते हैं, और फेविकॉल या कोई सी भी ग्लू इनको चिपकाने के लिए, और एक सीजर। सबसे पहले हम इनके 2x2 इंच के स्क्वायर्स काट लेंगे, और ये 2x2 इंच की जगह आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी दुर्गा की मूर्ति कितनी बड़ी है और आपके पास जो स्पेस है वो कितनी स्पेस है, उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा या कम ज्यादा कर सकते हैं। इन पेपर्स से हमको फ्लावर्स बनाने हैं। सबसे पहले इस पेपर के हम 8 फोल्ड्स कर लेंगे। एट फोल्ड्स के बाद इसके एक फोल्ड और करेंगे, लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए ऊपर की लेयर हम इस साइड फोल्ड कर देंगे और नीचे वाली लेयर दूसरी साइड कर देंगे, तो फोल्ड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जिस शेप के हमको फ्लावर्स बनाने हैं उस शेप में इसको कट कर लेंगे। अब इसमें हम एक काम और करेंगे, हर लीव्स के सेंटर से इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और दो पेटल्स के बीच का जो पोर्शन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसमें फोल्ड्स के मार्क बनाने से फ्लावर का शेप थोड़ा अच्छा आ जाएगा और ये थोड़ा उठा हुआ रहेगा। अब ये जो हमने फोल्ड्स के मार्क बनाए हैं उन पर हम प्लीट्स डालकर मार्क को अच्छे से दबा लेंगे, जिससे वो मार्क और प्रॉपर हो जाएंगे। अब इनकी ये जो पत्तियां हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं या किसी भी सीजर से या पेंसिल से या किसी पतले तार से कर सकते हैं, और फिर इनको इसी तरह रखेंगे थोड़ा फोल्ड किया हुआ। अब बिल्कुल इसी तरह हम ग्रीन लीफ को भी काट लेंगे, लेकिन ग्रीन लीफ की पत्तियां हम थोड़ी पतली रखेंगे, ये हमने थोड़ी चौड़ी रखी हैं, इनको थोड़ा सा पतला रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया, ये 4 थे, ये 8 हो गए, और इसको एक एक बार और फोल्ड कर लिया। अब इसको हम थोड़ा पतला काटेंगे और थोड़ा सा नीचे से काटेंगे। ये ऊपर से थोड़ी सी पॉइंटेड है, क्योंकि ये फ्लावर के पेटल्स हैं और ये सेपल्स हैं। अब इसमें हम ग्लू लगा के इसको स्टिक कर देंगे। इसके अंदर इसको स्टिक कर देंगे। 1 मिनट के लिए आप इसको दबा के पकड़े रहें तो ये आराम से स्टिक हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी ग्लू लगा के ये बीड स्टिक कर देंगे।
कितना खूबसूरत फ्लावर तैयार हो गया। इसी तरह आपको जितने कलर्स के और जितने नंबर ऑफ फ्लावर चाहिए आप बना लें। इसको थोड़ा सा सूखने देंगे जिससे ये निकले नहीं। ये देखिए, इसी तरह आप अपने हिसाब से ये फ्लावर्स के नंबर सेट कर सकते हैं। और यदि आपको ये सिंपल पेपर नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ऐसे ही ग्लिटर पेपर के भी बना सकते हैं। अब आपको ये दुर्गा की स्थापना जहाँ भी करनी है वहाँ पीछे दीवार पे बैकग्राउंड में एक आप कोई भी डेकोरेटिव शीट लगा लें। उसके बाद एक चौकी के ऊपर हम दुर्गा जी को बिठाएंगे और फिर अभी हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं इनको इस पे स्टिक कर देंगे। फ्लावर्स के पीछे पहले फेविकॉल लगा के इनको एक मिनट के लिए ड्राई होने देंगे, क्योंकि फेविकॉल हल्का सा ड्राई होने के बाद जल्दी स्टिक होता है। गीले में ही हम उनको स्टिक करने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा हमने इसको ड्राई कर लिया तो ये बहुत आसानी से स्टिक हो रहा है। पिंक के नीचे फिर येलो फ्लावर लगाएंगे। अब इसके सामने हम एक छोटा सा दिया रख देंगे और दोनों साइड छोटे छोटे नारियल और सामने की तरफ रोली चावल के कंटेनर रख देंगे। यदि आपके पास स्पेस कम है और टाइम भी कम है तो उसके लिए ये बहुत सुंदर डेकोरेशन है। अब सेकंड डेकोरेशन हम जो कर रहे हैं उसके लिए मैंने ये दो कलर के तो ग्लिटर पेपर लिए हैं और उसके अलावा एक ये जो बुके में बाहर की तरफ रैप किया हुआ पेपर आता है वो वाला पेपर लिया है। इसको हम पीछे बैकग्राउंड में लगाएंगे और ग्लिटर से डेकोरेशन करेंगे। अब हम इन दोनों तरह के पेपर में करीब 2.5 इंच या 3 इंच चौड़ी और जितना बड़ा आपका एरिया हो उस हिसाब से 5 या 6 इंच लंबी स्ट्रिप्स काट लें। दो दो स्ट्रिप्स चाहिए हमें दोनों की और इन दोनों ही स्ट्रिप्स में हम 1 इंच लंबाई के पास पास कट लगा लेंगे। उसके बाद रेड इसके अंदर रखकर स्टार्टिंग में हम इसको स्टिक कर देंगे जिससे ये फिक्स हो जाएगा। इस टाइम मैंने रेड थोड़ी छोटी ली है और गोल्डन थोड़ी बड़ी ली है। आप दोनों सेम साइज की भी ले सकते हैं। और जहां से हमने इनको काटा है वहां पे बिल्कुल बराबर रखें और फिर इसको धीरे धीरे यहां से ऐसे डायगोनल रोल करते जाएंगे। अगर आप डायगोनल रोल नहीं कर सकते तो आप इनको सीधे सीधे रोल भी कर सकते हैं। और उसके बाद बीच में से इसको हल्के हाथ से खींच लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से, इनके ये टूटने नहीं चाहिए। हल्का सा इसको घुमाते हुए, बस ज्यादा लंबा नहीं करना है हमें, हल्का हल्का ही रखना है। और इसका एंड यहाँ से स्टिक कर देंगे। आप चाहें तो रेड वाला भी बाहर रख सकते हैं और आप चाहें तो गोल्डन भी बाहर रख सकते हैं। थोड़ा सा स्टिक करने से ये खुलेगा नहीं। इसी तरह हम इसके दो सेट बना लेंगे। अब जहाँ भी हमको ये स्थापना इसकी करनी है सबसे पहले वॉल पे हम ये वाला पेपर लगा लेंगे। जितनी जगह आपकी है उस हिसाब से इसका साइज आप सेट कर सकते हैं। डेकोरेशन आप हमेशा उस हिसाब से कर सकते हैं जितनी जगह आपके पास अवेलेबल है। दोस्तों, इसके चारों तरफ आप फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं या फिर ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। देखिए, जरा सा कुछ करते ही कितना खूबसूरत और कितना सुंदर लुक आ जाता है। अब हमने ये जो डेकोरेटिव पीस बनाए हैं ये इसमें दोनों साइड खड़े कर देंगे और उसके बाद इस पे दिया रख के दोनों साइड नारियल रख देंगे।
बहुत कम और मिनिमम एफर्ट में हम सुंदर सुंदर डेकोरेशन तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक ये रिंग डेकोरेट करना सिखाया था। अगर आपके पास ऐसा कुछ है बना हुआ या आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, ये अकेले एक रिंग से ही कितना खूबसूरत हो गया, और इसके साथ भी आप चाहें तो ये ग्लिटर हमने जो बनाए हैं इनको खड़ा कर सकते हैं। बहुत कम कम एफर्ट में ही बहुत सुंदर चीजें हम तैयार कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बाहर इसको काफी ग्लिटर आइटम से डेकोरेट कर रहे हैं तो हमें बैकग्राउंड थोड़ा सिंपल और प्लेन चाहिए, और यदि आप डेकोरेट सिंपल कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड में ग्लिटर ले सकते हैं। दोस्तों, ये रिंग मैंने आपको पहले डेकोरेट करना सिखाया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आपकी स्क्रीन पर है। इस रिंग को डेकोरेट करने के लिए इसका बेस मैंने नॉर्मल जो सिंपल मैक्रम वाला एल्युमिनियम का रिंग आता है वो लिया है, उसी के ऊपर ये सारा डेकोरेशन किया है। इसी तरह आप इन सारे डेकोरेशन के मटेरियल को मिक्स एंड मैच करके नए नए आइडियाज बना सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कि हम बिल्कुल कम सामान में, कम जगह में बहुत अच्छी तरह अपने मंदिर को डेकोरेट कर सकते हैं, और टाइम भी इसमें बहुत कम लगता है। इस आइडियाज से आप केवल फेस्टिवल में ही नहीं बल्कि रूटीन में भी अपने मंदिर को डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो अब आप जल्दी से ये बनाइए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। साथ ही बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।